कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संजय सोलंकी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नेचर लवर संजू में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने घरों पे, सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंटरटेनमेंट कराने वाला हूं अपनी पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। सो गाइज लेट्स इंजॉय। जैसा कि आप सभी लोग मेरे सामने देख रहे हैं, आजकल बरसात के बाद कितना खूबसूरत मौसम और खूबसूरत हरियाली हमारे गांव में हो रही है। ये देखिए गाइस, चारों ओर आप सभी लोगों को हरा भरा दिखाई देगा। ये है कुछ फूल जो मैंने पिछले महीने लगाए थे, जो इतने बड़े हो गए हैं। अभी इन पे फूल नहीं लगे हैं लेकिन पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये देखिए गाइस, अभी इन पे फूल लगने बाकी हैं। और ये सामने आप देख रहे हो, ये है खीरे की बेल। इसमें एक छोटा सा खीरा लग गया है। ये देखिए फूल लग रहे हैं। इसके बाद इस पे जैसे इसके ऊपर एक खीरा लगा हुआ है, ऐसा खीरा लगेगा। अभी कुछ टाइम लगेगा। सामने देखो गाइस, प्राकृतिक नदी जिसका नाम है सौंग नदी, जो कि हमारे पड़ोसी गांव सेरा गांव से नीचे होते हुए रायपुर की साइड से डोईवाला से होके काफ़ी आगे तक जाती है। और सामने देखिए, आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा लेकिन ये है कुछ खूबसूरत से वाटरफॉल। क्योंकि काफ़ी दूरी पे है इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। ये देखिए हमारा कालू। और ये है परबल के बेल और साथ में खीरे की बेल। ये देखिए गाइस, मेरे सामने खूबसूरत पहाड़ और सामने टॉप पे सुरकंडा मंदिर। ये है गाइस छिमी के छोटे छोटे पौधे। ये देखिए अरबी के पौधे। सामने देखिए गाइस मेरा गांव कितना प्यारा लग रहा है, खूबसूरत हरा भरा। ये अखरोट के पेड़ बस कुछ टाइम बाद रेडी होने वाले हैं, उसके बाद फिर अखरोट के मज़े लेंगे। ये है गाइस यहाँ पे धनिया। आप जो ये पौधे देख रहे हैं छोटे छोटे, ये है भिंडी के पौधे जो कि अभी बिल्कुल छोटे हैं। और भिंडी के आगे है हमारी मिर्च, हरी मिर्च की खेती, जिन पे अभी फूल आने लगे हैं। और फूल के बाद जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस पे मिर्च लगेगी। तो ये देखिए खूबसूरत पौधे, काफ़ी आगे तक है, काफ़ी लंबा खेत है ये। देखिए ऊपर खेती, चारों तरफ हरा भरा और खेती बाड़ी सुंदर हमारे गांव की। ये मेरे गांव की प्यारी और सुंदर पगडंडी। देखिए व्हाट ऑसम व्यू। ये
यहाँ पे मक्के के पौधे, यहाँ पे देखिए ये अदरक के पौधे। अदरक की जो आप सब लोगों को पता है, जो कि हमारे खाने में कई जगह मसालों में बहुत सारी जगह उपयोग में आता है। तो ये देखिए सुंदर हरे भरे अदरक के पौधे। आप देख रहे हैं ये है हल्दी के पौधे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, हल्दी के बिना हमारे सब्जी, हमारा खाना कुछ भी नहीं है। कुछ है नज़ारा यहाँ का। अभी अभी बारिश रुकी है, तो उसके बाद जैसा आप सभी लोगों को पता होगा, आसमान बिल्कुल क्लियर होता है। सामने नदी, पहाड़, सभी कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। दूसरी बात।